देश का सबसे बड़े बैंक घोटाले को लेकर वार पलटवार लगातार जारी है। बीजेपी ने अब 22,000 करोड़ के इस घोटाले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। कल तक कांग्रेस इसी बैंक घोटाले को लेकर मोदी सरकार को घेर रही थी, लेकिन कल ही सीबीआई ने साफ किया कि ये घोटाला 2005 से 2012 के बीच यानी यूपीए सरकार के टर्म में हुआ था। और अब बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तत्कालीन यूपीए सरकार को घेरा गया है। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सबसे बड़े बैंक घोटाले में अब बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। शिपयार्ड के विषय में यह तथ्य हम लोगों ने इसलिए कहा कि जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के द्वारा प्राइमा फेसिया इन्वेस्टिगेशन के बाद जो फैक्ट सामने आए हैं उसमें डेट्स के साथ यह चीजें सामने आई हैं, तो अब बिल्कुल ये शीशे की तरह साफ है, ये सारा घोटाला कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था। कार्रवाई हुई है तो हमारे जमाने में, फ्रॉड घोषित ऑडिट होकर फाइनली एनपीए हमारे जमाने में, फ्रॉड घोषित होकर कार्रवाई हमारे जमाने में, और भ्रष्टाचार कांग्रेस के जमाने में जो लगभग भारत के सभी घोटालों में रहा है। ये उल्टा चोर कोतवाल को जाते वाला मामला है। आप सभी अभी तक तो जानते हैं तो लोन कब दिए गए, ये लोन 2005 से 2012 के बीच में दिए गए, ये लोन एनपीए वाले नॉन परफॉर्मिंग एसेट नवंबर 2013 में जब उत्तर प्रदेश की सरकार जिसको समाजवादी पार्टी समर्थन से जाती थी, आखिर वो यूपीए के समर्थन में समाजवादी पार्टी पूरे 10 वर्ष खड़ी रही। हम भी राज्यसभा में देखते थे रामगोपाल यादव जी समाजवादी के, उस समय तो 16-17 एमपी हुआ करते थे, सबसे सब यूपीए के साथ पूरे समय खड़े रहते थे। आज भी सदन में आप देख लीजिए समाजवादी पार्टी पूरे समय कांग्रेस के पीछे चलती है, और वो जवाब थे आज अखिलेश जी और राहुल गांधी जी, क्या ये लोन उनके समय 2000। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।